नमस्कार। अगर आप मेहनत और लगन से कोई काम करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। आज वीमेन टाइम में मैं जो कहानी लेकर आई वह पंजाब के जालंधर से है। यह कहानी है हरविंदर कौर और रूबी की। हरविंदर की हाइट 3 फुट 11 इंच है। वह देश की सबसे कम हाइट की वकील है। वह क्रिमिनल केस लड़ती है, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर बहुत ही चुनौती भरा रहा है। हरविंदर कौर बचपन में एयर होस्टेस बनने का सपना देखा करती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो उसे अपनी हाइट के बारे में पता चला। उसका सपना सपना ही रह गया। वह समझ गई कि वह एयर होस्टेस नहीं बन सकती है। हरविंदर के घर वालों ने उसे कई डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां दी, मेडिटेशन कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरविंदर ने 12वीं तो पास कर ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, किस फील्ड को करियर के तौर पर चुने। एक समय तो ऐसा है कि वह कमरे में बंद रहने लगी। वह इतनी परेशान थी कि कई बार दिमाग में आत्महत्या के विचार भी आए, लेकिन कॉलेज जाने के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया और वो खुद के बारे में काफी पॉजिटिव सोचने लगी। वह दिन भर मोटिवेशनल वीडियो देखा करती थी। इन वीडियो से हिम्मत बनी और एक दिन ठान लिया कि भगवान ने मुझे जैसा बनाकर भेजा है उसे मुझे स्वीकार करना ही होगा। हरविंदर ने कानून की पढ़ाई पूरी की और वकील बन गई। अब उनका सपना जज बनने का है। वह देश की सबसे कम हाइट की वकील है। हरविंदर के पिता शमशेर सिंह ट्रैफिक पुलिस में ASI हैं और माता सुखदीप कौर हाउसवाइफ है। हरविंदर कौर ने पिछले साल 2020 में अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद 23 नवंबर 2020 को उन्हें बार काउंसलिंग ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द्वारा लाइसेंस व एनरोलमेंट सर्टिफिकेट सौंपा गया। हरविंदर अब जालंधर कोर्ट में क्रिमिनल केस हैंडल करती है।